नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट के बारे में तो जैसा कि देखिएगा ड्यूरिंग द डे अगर आपने देखा होगा तो मार्केट काफ़ी जगह पर डाउन uh, हुआ था कि एक बार लग रहा था कि एक जगह पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा बट स्टिल वहां पर भी आपको वीकनेस देखने को मिली और एट द एंड ऑफ द डे आपको 50 टू 60 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली और वहीं पर मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिला तो इस समय के सेंटिमेंट्स क्या हैं और किस तरीके की बिकवाली आपको देखने को मिली है जिसके कारण आज आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कहां पर आपको फोकस करना है कहां पर आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा ये भी जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिन पॉइंट्स को मैं की हाईलाइट करूंगा उन पर जरूर फोकस करिएगा तो चलिए एक एक करके सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट मैंने आपको बताया था निफ्टी बैंक का प्रेशर कंटिन्यू था बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने 350 34 350 के आसपास एक सपोर्ट लिया वहां पर और उसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है बट स्टिल आपको क्लोजिंग यहाँ पर अबव थ्री के लेवल पर देखने को मिल रही है स्टिल यहां पर अब जो सपोर्ट है वो चौतीस हजार के आसपास है अगर आप देखेंगे तो चौतीस हजार के आसपास एक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है जो एक बीस सपोर्ट है अगर यहां पे निफ्टी बैंक इसको होल्ड करता है तो जल्द ही वहां से आपको एक फिर से रिबाउंड देखना शुरू होगा तो अगले हफ्ते आपको चौतीस हजार की सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको चौंतीस के लेवल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है निफ्टी बैंक के चूंकि यहां पर जो प्रेश होगा वही डिसाइड करेगा कि निफ्टी फिफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट आता है क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में भी अगर एक समय देखेंगे तो मार्केट के दौरान आप तकरीबन तकरीबन हंड्रेड पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देख रहे थे और एक समय पर एट्टी पॉइंट्स के आसपास का ही करेक्शन देखने को मिला था बट स्टिल लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव की करेक्शन के साथ निफ्टी फिफ्टी में आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है और काफी बढ़िया रीटेस्ट किया है यानी कि 575, 1575 के लेवल को काफी अच्छी तरीके से रीटेस्ट किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम तो यही बहुत ही बेसिक सपोर्ट है जहां पर निफ्टी फिफ्टी अगर कई बार हॉल्ट करता है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि यहां पर ही एक सपोर्ट लेने के बाद यहां से ही आने वाले टाइम में आपको रिबाउंड भी देखने को मिल सकता है और थोड़ा सा और पेन भी देखने को मिल सकता है अब बात को शुरू करेंगे कि इतनी ज्यादा आपको गिरावट क्यों देखने को मिली तो कॉन्टिन्यू इतने दिनों से आपको बताया जा रहा था कि यहां पर जो एफ आई है उनका जो डेटा था लगातार निगेटिव था लगातार आपको निगेटिव देखने को मिला है और जिसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको कल या परसों बताया था कि जब भी यहां पे 2000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की सेलिंग देखने को मिलेगी तो उस दिन मार्केट में उसका पेन आपको देखने को मिलेगा और स्टिल मैंने एक रेशियो की बात करी थी कि जिसका रेशियो ज्यादा होगा जिस डायरेक्शन में रेशियो ज्यादा होगा उसी तरीके की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर टू एट थ्री फोर टू एट थ्री फरोड थ्री फोर करोड़ की आपको बिकवाली देखने को मिल रही है जिसके कारण मार्केट में आज इतना ज्यादा आपको पेन देखने को मिला चूंकि एक सिरे से माल दबाकर बेचा गया है यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी ने आठ सौ तिहत्तर करोड़ की बाइंग करी है बट जो रेशियो है वो किसके डायरेक्शन में है वो एफ के डायरेक्शन में है जिसके कारण जो क्लोजिंग हुई है वो निगेटिव हुई है तो नेक्स्ट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में आपको यह भी चेकआउट करते रहना कि किस तरीके से एफ आई आई सेलिंग कर रहे हैं अगर सेलिंग प्रेशर कॉन्टिन्यू रहता है और ज्यादा हेवी क्वांटिटी में रहता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है और केवल और केवल आईटी सेक्टर में ब्रोकिंग सेक्टर में केमिकल और शुगर सेक्टर पे फोकस करना है ये ऐसे सेक्टर है देखिएगा जो कि गवर्नमेंट का थीम बना हुआ है और आप यहाँ पर अगर बाय ऑन डिप्स करते हैं फंडामेंटल स्टॉक्स पे, तो जैसे ही रिबाउंड आएगा इट विल टेक टाइम टू फाइव टू सेवन ट्रेडिंग सेशन और वहाँ पर आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा और वहीं पर आपके पोर्टफोलियो भी ग्रीन होते हुँ देखने हुँ मिलेंगे। पावर सेक्टर पे भी चाहते थे बट स्टिल आज यहां पर जो प्रेशर आया है इससे थोड़ा बहुत करेक्शन पावर सेक्टर में भी आया है। तो यहां पर देखिएगा एक्सपर्ट का क्या मानना है कि देखिएगा टू टू हंड्रेड वन अगेन एज बेंच मार्क इंडेक्स मूवड लोवर विद मिनट लेफ्ट अंटिल द क्लोजिंग बेल्ट तो यहाँ पर देखिएगा सेंसेक्स में भी काफी करेक्शन देखने को मिला है नो no डाउट जब निफ्टी फिफ्टी में करेक्शन देखने को मिलेगा तो सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा स्टेबल होगा मार्केट एक जगह पर सपोर्ट लेगा और जब वहां पर स्टेबल होकर सपोर्ट लेगा तभी आपको वहां से धीरे धीरे नेक्स्ट फाइनल डायरेक्शन अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा यहां पे माना जा रहा है कि देखिएगा जो बैंक निफ्टी है यहां से बाउंस बैक कर सकता है पंद्रह 35 तीन सौ सौ के आसपास और अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर चौंतीस हजार का लेवल होल्ड करता है चौतीस हज़ार तीन सौ का लेवल होल्ड करता है तो फिर यहां से निफ्टी बैंक में फिर से एक मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर आप देखेंगे नाउ एज पर द वीकली एंड डेली चार्ट देर इज अ सपोर्ट अराउंड द थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड लेकिन थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड मैं नहीं मानूंगा आपको चौंतीस हजार के लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है जो कि एक बेसपोर्ट है और जैसे ही यहां से अगर आप देखेंगे तो एक रिबाउंड आएगा तो निफ्टी बैंक पूरी तरीके से ड्राइव करेगा किसको निफ्टी फिफ्टी को और आज आपको सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक और मेटल स्टॉक्स में देखने को मिला है तो बहुत क्वालिटी मेटल स्टॉक्स जो बहुत भाग चुके थे जिन्हें लोग ले नहीं पा रहे थे अब बहुत अच्छे करेक्शन पे अवेलेबल है तो इस सेक्टर पे आपको नो डाउट फोकस करना है निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक में सबसे तेज रिबाउंड आएगा अगर आप देखेंगे निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक में सबसे तेज रिबाउंड आएगा और जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था और डोजोस में अब तक अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है लेकिन अब तक 545 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल रही है तो दीज आर द इंडिकेशन कि धीरे धीरे मार्केट स्टेबलाइज हो सकता है यहाँ से और फिर एक नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ से मार्केट का बन सकता है और आईटी सेक्टर में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलने वाली है Nasdaq बहुत अच्छी तरीके से अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है हालांकि अभी क्लोजिंग नहीं हुई है क्लोजिंग के बेसिस पे ही आपको सारे चीज़ें डायरेक्टली चेकआउट करनी है बट स्टिल अगर मार्केट ग्रीन हुआ है तो वो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छी बात है ग्लोबल सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव नोट्स पे क्लोज होते हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी तो डाउ फ्यूचर्स भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं स्टिल और यहाँ पर डाउजोन्स में भी काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है तो इन्हीं लेवल पर आपको फोकस करना है तो नेक्स्ट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के लिए ये की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं एक तो यूएस टेन ईयर बॉन्ड यील्ड इंडिया विक्स पे फोकस करना है निफ्टी बैंक पे फोकस करना है और एफ किस तरीके की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो दीज आर द सेक्टर जहां पर आपको फोकस करना है जो मार्केट के सेंटीमेंट को फाइनल डायरेक्शन देने में आपको हेल्पफुल रहेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्पफुल रहेंगे जो भी फर्दर अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो अगर कर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू सो मच